प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, टीम ने यहां करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को कुर्क कर लिया है, साथ ही यहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। गौतस्कर और सपा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की बमरौली स्थित 3,75,00,000 रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 भूखंड को जब्त करते हुए यहां नोटिस बोर्ड लगाया है। इसके पहले मुजफ्फर की 15 करोड़ की जमीन, मकान व दुकान को कुर्क करने की कार्यवाही हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ प्रयागराज, भदोही, कौशाम्बी, चंदौली, वाराणसी जिलों में 30 मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी ने कार्यवाही के बाद यहां मुनादी करते हुए संपत्ति को कुर्क करने की घोषणा की है, फिर जब्तीकरण का बोर्ड लगाया गया है। कौन था है? क्या आप इस पे इल्जाम है और किस तरह की कार्रवाई की? मुकदमा अपराध संख्या 235/2021 थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज में पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना थाना दूमनगंज प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। विवेचना दौरान मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा अपराध से अर्जित धन से कुछ प्रॉपर्टीज संपत्तियां सामने आई हैं, जिनको कुर किया जा रहा है, जिसमें से कि 2 प्रॉपर्टी यहां पे बमरौली उपरहार में पाई गई हैं, जिनके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने मुकदमे हैं और कितना बड़ा अपराधी है ये? कुख्यात गौ तस्कर है, इसके विरुद्ध 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसकी और भी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। दिनांक 5 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022 और आज 16 अगस्त 2022 और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, आगे भी प्रचलित रहेगी। जो जो प्रॉपर्टीज इनके सामने निकल के आएंगी, जो अपराध द्वारा धन से अर्जित की गई हैं, उनके विरुद्ध भी कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पे अराजी संख्या 10/76 में 2 प्रॉपर्टीज इनकी, एक का एरिया है 306.69 स्क्वायर मीटर और एक है 84 वर्ग मीटर। क्या कीमत क्या होगी सर इनकी? इसकी अनुमानित कीमत है 3,75,00,000।